दिल्ली में चलती बस में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लड़की ने आरोपियों की जमकर धुनाई की और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ताज्जुब की बात तो यह है कि कापसखेड़ा से संगम विहार जा रही लड़की के साथ हो रही पूरी वारदात के दौरान यात्री मूक दर्शक बने रहे। देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में युवती से छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि एक युवक ने लड़की से सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट भी दिखाया। गुस्साई युवती ने चलती बस में आरोपी से दो दो हाथ किया और चलती बस में सैंडल निकालकर उसकी धुनाई कर दी। कापसखेड़ा बॉर्डर से आ रही थी बस, को अपना 717 थी और वहाँ पर एक आदमी चढ़ा और जहाँ लेडीज सीट थी वहाँ पर मैं बैठी थी, वहाँ पर आकर वो खड़ा हुआ था और काफी देर से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। देन एक बार मैंने उसे घूरा भी कि मतलब हाँ बंदा साइड हो जाए, इधर उधर हो जाए, पर उसके बावजूद भी वो वहीं पर खड़ा हुआ है। थोड़े देर बाद सडन सर उसने मतलब पूरा अपना हो गया, तो फिर उसके बाद मुझे वो मैंने उसको मारा पीटा भी, फिर उसने मेरा हाथ वाथ पकड़ लिया था। तो उसके बाद मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट करा दी और किसी आर आदमी मेरी हेल्प के लिए। सैंडल से हमला करने के बाद युवती ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत पीसीआर को कॉल किया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने युवती के नंबर के आधार पर ट्रेस किया। उसके बाद पीसीआर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। आपको इतनी हिम्मत कहां से आई? जिस तरीके से बस में दिल्ली सरकार बोलते हैं कि बस में होम गार्ड रहेंगे, सीसीटीवी लगे रहेंगे, मगर फिर सर एक्चुअली मैं ये बोलूंगी कि जैसे मैंने करा है तो और लड़कियों की भी मतलब ऐसे ब्रेवरी दिखानी चाहिए, बिकॉज मैं खुद दिल्ली वुमेन कमीशन में काम भी कर चुकी हूँ और रिपोर्टर भी हूँ चैनल की, तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो अगर सर यही होता, अगर लड़कियां स्टेप नहीं लेंगी, मुंह बंद करके बैठ जाएंगी ना, तो और लोगों को लगेगा कि हाँ ये स्टेप नहीं ले रही, तो आगे वो आज मैं इसको बंदे को मैं कुछ एक्शन नहीं लेती, कल को ये मुझे कहीं और जगह देखता तो ये मेरे से और भी गंदी हरकत कर सकता था सर, इसलिए मुझे लगा कि हाँ इस ऐसे बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो आगे और भी लड़कियां हैं उनको भी यही बोलूंगी कि ऐसे बंदों को छोड़ना ही चाहिए, अगर वो आपको टच भी करके चला जाए ना, आपको 100 नंबर पर पुलिस कंप्लेंट करके ना ऐसे लोगों की ना धुलाई करवा देनी चाहिए। बस जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी और कौन से, एक बार बता दीजिए सर। 717 युवती हरियाणा में जॉब करती है और दिल्ली के होली चौक इलाके में रहती है। युवती ने बताया कि मंगलवार देर शाम वो कापसखेड़ा से रूट नंबर 717 बस में संगम विहार जा रही थी, तभी एक युवक उसके सीट के सामने खड़ा हो गया। पहले उसने छेड़खानी की कोशिश की, उसके बाद अपना निजी पार्ट निकाल लड़की के सामने गंदी हरकत करने लगा। नाराज युवती ने पहले पीसीआर को कॉल किया, उसके बाद सैंडल निकालकर युवक की पिटाई करने लगी। घटना वसंत कुंज और छतरपुर के बीच की है। पीसीआर मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को थाने ले जाया गया, युवती का बयान लिया गया। उसका कहना है कि चलती बस में इस तरह की वारदात बेहद ही शर्मनाक है, बल्कि राजधानी जैसे शहर के लिए सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। उसके खिलाफ 354-509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सोनी, टोटल न्यूज़।